हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं एक टेक सीरीज़ की शुरुआत करने, जिसकी रिगार्डिंग मुझे काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई आप भी कोई टेक सीरीज़ शुरू करो, जिसके कारण हमें भी कोई टेक की न्यूज़ डेली अपडेट हमें मिलती रही। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए छोटी सी पहल की जाए और आपको टेक के रिगार्डिंग डेली अपडेट दिया जाए। तो आज हमारा इसका पहला एपिसोड है, सो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू हब में। चलिए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पांच लेटेस्ट टेक न्यूज़ रखने जा रहा हूँ जो कि मोबाइल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ASUS ZenFone Live 1 की, जो कि ये एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है और इन्होंने ASUS वालों ने एक बजट को देखते हुए इंडिया में इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो फ़ोन है, स्मार्टफोन, ये फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आता है। और बात करें इसकी हम स्पेसिफ़िकेशन की, तो ये 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है और 3 GB 32 GB। और जो इसकी स्पेसिफिकेशन हुआ, इसमें एंड्रॉयड 8.0 ऑडियो पे है और जो इसका 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 720x440 का इसमें पिक्सल मिल जाएगा आपको। और इसमें हम जो प्रोसेसर है 425 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है। और आगे बात करते हैं हम इसकी बैटरी लाइफ की, तो इसमें हमें 13 mAh की बैटरी मिल जाती है, 30,000 mAh की। तो ये है ASUS ZenFone। तो फ्रेंड्स, बात करें इसकी प्राइस की, जो इसका पहले प्राइस इसका निकल के आ रहा था 7,200 का था, बट अब जो इसकी प्राइस निकल के आ रही है 8,150 रुपये है। सो ये था हमारा ASUS का ZenFone। तो हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रहा है सैमसंग जे और ए सीरीज़ के बारे में आ रहा है, जो कि ये सैमसंग वाले मुंबई में एक इवेंट आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें ये सैमसंग ए सीरीज़ और जे सीरीज़ को दोबारा अपने लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो मार्केट जो है इसी पे बेस्ड है। तो इन्होंने दो सेगमेंट के फ़ोन इसमें लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी है। इसकी जो डिस्प्ले रहेगी 5.5 इंच की इसकी डिस्प्ले रहेगी और इसका जो प्रोसेसर है 1.4 GHz क्वाड कोर का इसमें प्रोसेसर मिल जाएगा। जो फ्रंट कैमरा होगा इसमें 5 MP का हमें इसको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। और बात करें रेजोल्यूशन की, तो इसमें 720x1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। रैम की बात करें तो इसमें 2 GB की रैम और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एंड्रॉयड 8.0 पे बेस्ड होगा। और जो बात करें इसके रियर कैमरा की, जो इसमें 13 MP का रियर कैमरा मिल जाएगा और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है 13,000 mAh की इसमें बैटरी मिल जाएगी। और जो बात करें इसके प्राइस की, तो ये मिड सेगमेंट को देख के ये फ़ोन बनाया जा रहा है, तो इसकी प्राइस 15,000 to 20,000 के बीच में रह सकती है। और बात करें हम अपनी अगली अपडेट की तरफ, और जो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आ रहा है वो वीवो की तरफ से आ रहा है, जो इन्होंने वीवो का जो एक V9 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। कंपनी इसको V9 का इसको जो नया कलर में इसको लॉन्च करने जा रही है, जिसको आप सैफियरा ब्लू वेरियंट में आएगा। और इसकी जो प्राइस है और जिसकी स्पेसिफिकेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये स्पेशली मतलब यूज़र को इनको टारगेट किया है कि जो मतलब थोड़ा चेंजेस आते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो ये जो नया वेरिएंट का फ़ोन है, ये 18 मई से अमेज़ॉन एक्सक्लूसिव पे इन्होंने लॉन्च कर दिया जाएगा। आप जाइए, बस छा जाइए, उस फ़ोन को ख़रीदिए और अपनी सेल्फ़ी खींचिए। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ। जो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आ रहा है मोटोरोला फ़ोन की तरफ से आ रहा है, जो कि ये कंपनी है जो मोटो वन एस की लॉन्च की, जो इन्होंने घोषणा कर दी है, जो इसकी चीन पी सोशल जो साइट है वेबो, उन्होंने इस पीस मतलब इसको मेंशन कर दिया कि चाइना में इसका लॉन्च होने जा रहा है, जो इसकी चाइना में कीमत होगी 1,499 रुपये जो चीनी यून है। और अगर हम अपने इंडिया के प्राइस से इसको कंपेरिजन करते हैं, तो ये अप्रॉक्स हमें 5,900 का पड़ सकता है। तो और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें डुअल सिम मोटो वन एस एंड्रॉयड 8.0 पे ये बेस्ड होगा। और जो इसकी कुछ खास डिस्प्ले, जिसकी डिस्प्ले है 5.7 इंच की, इसमें डिस्प्ले मिल जाएगी हमें। और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें 1.8 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आता है, जो कि यूजर्स में काफ़ी अच्छा होता है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 MP की, क्योंकि आजकल सब कंपनियां कैमरे को फोकस कर रही है फ्रंट कैमरा का, जो इंडिया की मार्केट है, लोग मतलब कैमरे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सो कंपनियाँ भी इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो बात करें हम इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो जो इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन है फुल HD डिस्प्ले है, जो कि 1080x2160 पिक्सल के साथ आता है। और इसकी बात करें रैम की, तो ये 4 GB रैम के साथ हमें मिल आएगा, जो काफ़ी अच्छा है, जिसमें हम अपना मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं। तो जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है 8.0 एंड्रॉयड ऑरियो पे बेस्ड है। और जो इसमें स्टोरेज की बात करें, तो इसमें 64 GB इंटरनल स्टोरेज आएगी और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो अगर जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके रियर कैमरा जो है 12 MP का इसमें रियर कैमरा आ जाएगा। और बात करें इसकी हम बैटरी की, तो इसमें 3000 mAh की
बैटरी आ जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि नोकिया की तरफ से आ रही है, जिसको इन्होंने मेंशन किया है कि नोकिया 3.1 की कुछ इमेजेस लीक हुई हैं और जिसमें इसके दो रेयर कैमरा होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि HMD ग्लोबल 29 मई को स्मार्टफोन से जुड़ी मतलब घोषणा करेंगे। जो उम्मीद है कि इस दिन नोकिया 2 और 3, 5 के नए वेरिएंट आने की संभावना है। बाकी इसके रिगार्डिंग हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं है। तो आपको बता दें कि डिवाइस में कैप्सूल जैसा कट है और डुअल कैमरा सेटअप यहाँ देखा जा सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी कैमरा सेटअप के करीब ही है। तो जैसा भी होगा मैं आपको इसकी अपडेट दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये मेरा पहला एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आप डेली अपडेट इसके रिगार्डिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं रोज़ एक टेक न्यूज़ अपलोड करूँगा, और अगर आप नोटिफिकेशन प्रेस करते हो तो आपको ये जो नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।